अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद नदीम। बात कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 और 2007 की। आज का जो हमारा टॉपिक वो है सॉर्ट बाय। लतकीर अपने टेक्स्ट पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय क्या करता है कि हमारे टेक्स्ट को सॉर्ट करता है, हमारे टेक्स्ट को नंबरिंग देता है, हमारे टेक्स्ट को वैल्यूज देता है, ताकि हमें हमारा टेक्स्ट आसानी के साथ मिल सके। हम अपने टेक्स्ट पे कोई भी बिला तरतीब नंबरिंग देते हैं और फिर इस पर सॉर्ट अप्लाई करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। हम इस पर नंबरिंग लगाते हैं, इधर वन कर दिया, इधर हमने टू कर दिया। हम बिला तरतीब नंबर लगा रहे हैं, इधर हमने सिक्स कर दिया, इधर हमने थ्री कर दिया, यहाँ पे एट कर दिया, यहाँ पे अगेन वन कर दिया। तो यहाँ पे हम नाइन कर देंगे। हमने अपने टेक्स्ट पे बिला तरतीब नंबरिंग लगाई और अब हम चाहते हैं कि ये हमें एक तरतीब के साथ मिले, तो हम इसके लिए सॉर्ट यूज करेंगे। असेंडिंग मोड में हमारा टेक्स्ट की तरतीब 1 2 3 4 ए बी सी यानी कि सीधी होगी और डिसेंडिंग मोड में हमारी तरतीब उल्टी यानी कि 10 9 8 के हिसाब से होगी। अभी हम अपने टेक्स्ट पे असेंडिंग मोड अप्लाई करते हैं। जैसे ही हमने अपने टेक्स्ट पर असेंडिंग मोड अप्लाई किया तो उसने हमारे टेक्स्ट को एक तरतीब दे दी। देखिए व्यूअर्स, हमारा जितना भी टेक्स्ट एक तरतीब के हिसाब से आ गया, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए व्यूअर्स, हमारा टेक्स एक तरतीब में आ गया। अगेन हम इसको सेलेक्ट करते हैं और अब इस पर डिसेंडिंग मोड अप्लाई करते हैं। डिसेंडिंग पे आए, ओके किया। देखा व्यूअर, डिसेंडिंग ने क्या किया कि हमारी तरतीब को उल्टा कर दिया 9 8 7 6 के हिसाब से। देखा व्यूअर, अगेन इस पर असेंडिंग अप्लाई करते हैं। देखा व्यूअर, इसने हमारी तरतीब को सीधा कर दिया, एक सीक्वेंस दे दिया। अभी हम अपने टेक्स्ट पे ए बी सी के हिसाब से सॉर्ट लगाते हैं। हम यहाँ पे बिला तरतीब ए बी सी मेंशन करेंगे और फिर इस पर सॉर्ट अप्लाई करेंगे। देखो व्यूअर्स, हम बिला तरतीब ए बी सी मेंशन कर रहे हैं। सॉर्ट क्या करेगा कि हमारे टेक्स्ट को एक तरतीब दे देगा। देखो व्यूअर्स, हमने ए बी सी बिला तरतीब मेंशन कर दिया और इस पर सॉर्ट अप्लाई करते हैं। असेंडिंग पे जाते हैं, इसको ओके करते हैं। देखो व्यूअर्स, जैसे ही हमने इस पर असेंडिंग मोड अप्लाई किया तो इसने हमारी ए बी सी को एक तरतीब देगी। देखो व्यूअर्स, पहले ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, जिसके बाद नेक्स्ट आना था वो आया। देखो व्यूअर्स, अभी हम इस पर डिसेंडिंग मोड अप्लाई करते हैं। जैसे हम डिसेंडिंग मोड पर आएंगे तो ये हमारी तरतीब को उल्टा कर देगा। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पहले जेड आया, फिर टी आया, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। देखिए व्यूअर्स, आपको पता चल गया असेंडिंग और डिसेंडिंग मोड कैसे वर्क करते हैं। अगेन इस पर असेंडिंग मोड अप्लाई करते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमारा टेक्स्ट एक तरतीब के साथ आ गया। आई थिंक सो व्यूअर्स, अभी आपको सॉर्ट बाय की अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।